भाई लोग, 2 हफ्तों की लंबी जद्दोजहद के बाद हमें मिले हैं एशिया कप 2022 के 2 फाइनलिस्ट। श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों होंगी आमने सामने। जहां एक तरफ पाकिस्तान तो नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की तरह यहां पर आई थी, बट श्रीलंका वॉज जस्ट अ परफॉर्मर एंड नॉट अ कंटेंडर। लेकिन अभी हाल फिलहाल डायनेमिक्स हो चुके हैं चेंज। श्रीलंका पहुंच चुकी है फाइनल्स में, और ना सिर्फ पहुंची है, सुपर फोर का आखिरी मुकाबला पाकिस्तान को 5 विकेट से ऑलरेडी हरा भी चुकी है। तो दोस्तों, यहां पर एक शानदार मुकाबला हमें देखने को मिलने वाला है 11 सितंबर शाम 7:30 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार, एशिया कप 2022 का फाइनल मुकाबला। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कैसा रहा है पिच का मिजाज, बॉलर्स की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, और साथ ही साथ नजर डालेंगे श्रीलंका और पाकिस्तान के अभी तक के सफर पर, और फाइनली फोकस करेंगे दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11, की प्लेयर्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइंड आउट करेंगे कि आखिर कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है। तो दोस्तों, इस सभी समीकरणों को फटाफट से हम कवर कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट से। भाई, 8 मुकाबले सीजन के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा चुके हैं, जहां मात्र 2 मैचेस फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं और 6 मैचेस सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे हैं। विन द टॉस, विन द मैच, ये है इस ट्रैक का मोटो। भाई, एवरेज स्कोर रहता है 164 रन। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो हाईएस्ट स्कोर बनाया है इंडिया ने अगेंस्ट हांगकांग 192 रन, और लोएस्ट स्कोर बनाया है श्रीलंका ने अगेंस्ट बांग्लादेश 105 रन बाय 10 विकेट के नुकसान पर। अब दोस्तों, ये इकलौता मैच था जो श्रीलंका हारी थी अगेंस्ट बांग्लादेश, उसके बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखी है, लगातार मैचेस जीते हैं, चाहे वो लीग स्टेज हो, सुपर फोर हो। तो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल श्रीलंका का भी पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बॉलर्स की बात कर लेते हैं। भाई, 91 विकेट्स 8 मुकाबलों में लिए जा चुके हैं। पेसर्स की झोली में गिरे हैं 58 और स्पिनर्स ने चटकाए हैं 33 विकेट। पिछले 2 मुकाबलों में स्पिनर्स का भी अच्छा बोलबाला रहा है। अब बारी आ जाती है हेड टू हेड कंपैरिजन की। भाई, श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों टीम्स के बीच अभी तक 22 T20 मुकाबले हो चुके हैं। 13 मैचेस पाकिस्तान जीती है, तो वहीं 9 मैचेस श्रीलंका जीत पाई है। तो दोस्तों, ये है अभी तक का समीकरण, जहां नो डाउट पाकिस्तान अभी तक डोमिनेट करती नजर आई थी, लेकिन पिछले मुकाबले में कहानी कुछ और थी। वेल, टॉकिंग अबाउट द करंट सिचुएशन, श्रीलंका की प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, पथुम निशंका, कुसल मेंडेस, धनंजय डिसेल्वा, धनुष्का गुनाथिलाका, भनुका राजापक्सा, डसुन शनाका, वनिंडु हसरंगा, चमिका करुणा रत्ने, प्रमोद मधुशान, महेश दीक्षणा और दिलशान मधुशंका, ये हो सकती है प्रोबेबल प्लेइंग 11, जो कि फ्रॉम द स्टार्टिंग सिमिलर रही है। अब बारी आती है कि भाई कौन से ऐसे बल्लेबाज है जो कि बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। भाई, पथुम निशंका शुरुआती दौर पर थोड़े से आउट ऑफ ट्रैक नजर आए थे, लेकिन हाल फिलहाल श्रीलंका के लिए लीडिंग रन स्कोरर हैं, 5 मैचेस में 165 रन बना चुके हैं, और इन्हें अच्छा सपोर्ट मिला है कुसल मेंडिस की तरफ से, जो कि कंसिस्टेंटली रन स्कोर करते दिखाई दिए हैं, 5 मैचेस में 155 रन बना चुके हैं, अलॉन्ग विद भनुका राजापक्सा, जो कि 120 रन बनाने में सक्सेसफुल रहे थे। अब दोस्तों, ये हैं वो 3 बल्लेबाज जिन पर भरोसा किया जा सकता है। साथ ही साथ दसुन शनाका टीम के कप्तान है एंड फ्रॉम द फ्रंट लीड करते नजर आए हैं, 5 मैचेस में 109 रन बना चुके हैं, छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण पारियां खेलते दिखाई दिए हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ श्रीलंका का बैटिंग लाइनअप। बॉलिंग अटैक की बात करते हैं तो यहां पर कहानी थोड़ी सी डगमगाती नजर आती है। वनिंडु हसरंगा, दिलशान मधुशंका और महेश दीक्षणा, ये 3 ऐसे गेंदबाज हैं जिन पर रहेगा तारोमदार। वनिंडु हसरंगा ने 5 मैचेस में 6 विकेट लिए हैं, तो वहीं दिलशान ने भी 5 मैचेस में 6 विकेट अपने नाम करे हैं। महेश दीक्षणा के नाम रहे हैं 5 मैचेस में 5 विकेट। अब दोस्तों, पाकिस्तान के कंपैरिजन में श्रीलंका का बॉलिंग अटैक थोड़ा सा 19 नजर आता है। हालांकि पिछले मुकाबले में भले ही पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन बॉलिंग अटैक में देखा जाए तो पाकिस्तान अभी भी थोड़ा सा ज्यादा बेहतर दिखाई देती है। टॉकिंग अबाउट द टीम, दोस्तों पाकिस्तान की प्रोबेबल प्लेइंग 11 पे आ जाते हैं। यहां पर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। शादाब खान और नजीम शाह फाइनल मुकाबले में एक बार फिर हमारे सामने हो सकते हैं। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान, इफ्तिकार अहमद, खुशदिल शाह, आसिफ अली, मोहम्मद नवाज और शादाब खान, ये है बड़ा लंबा बैटिंग लाइनअप। डेप्थ दिखाई देती है पाकिस्तान के बैटिंग लाइनअप में, जहां मोहम्मद रिजवान ने अच्छा प्रदर्शन किया है, 5 मैचेस में 226 रन बना चुके हैं। ये मुकाबला अच्छा खेलेंगे तो डेफिनेटली विराट कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं इन द एशिया कप 2022। क्या दोस्तों लगता है आपको, विराट कोहली जो कि इस सीजन के लीडिंग रन स्कोरर है, उन्हें पीछे छोड़ पाएंगे मोहम्मद रिजवान? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। बारी आती है भाई यहां पर दूसरे बल्लेबाज की, वो है फखर जमान, 5 मैचेस में 96 रन बना पाए हैं, तो वहीं मोहम्मद नवाज ने 5 मैचेस में 73 रन बनाए हैं। अब यहां पर फखर जमान और मोहम्मद नवाज डेफिनेटली छोटे छोटे रन स्कोर करते दिखाई दिए थे, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा था। अब फाइनली बात आती है
गेंदबाजी की तो भाई यहां पर मोहम्मद नवाज न सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी कारनामा करते दिखाई दिए हैं। 8 विकेट इन्होंने ऑलरेडी चटकाए हुए हैं। अब दोस्तों इन्हें अच्छा सपोर्ट मिला है शादाब खान का, जो कि 5 मैचेस में 7 विकेट ले चुके हैं, और नजीम शाह का, जिन्होंने 5 मैचेस में 6 विकेट अपने नाम करे हैं। तो भाई लोग ये हैं वो गेंदबाज और बल्लेबाज जो कि पाकिस्तान की तरफ से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अब भैया इन सभी समीकरणों को जानने के बाद कौन सी टीम मुकाबला जीत रही है, अपना जवाब दीजिए, क्योंकि यहां पर हमें तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भले ही पिछला मुकाबला हारे थे बट दे कैन विन द मैच, बट ओवरऑल चीज डिपेंड करती है टॉस पे। टॉस जो जीतेगा वो मैच जीतेगा 99%। श्रीलंका अगर सेकंड बैटिंग करती है तो वंस अगेन जीतने की प्रबल दावेदार होगी। भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होऊंगा एक और एनालिसिस के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।